सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सभी की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। वचन संगीता अध्याय 11 वचन 5 से। भजन संगीता अध्याय 11 वचन 5 से आइए देखते हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं उन पर उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है। कहता है यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लोभ उनके कटोरों में बांट दी जाएगी, क्योंकि यहोवा धर्मी है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है, यहोवा धर्मी को परखता है। जितने धर्मी जन होते हैं, जो धर्म के काम करने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले, उसके ऊपर विश्वास रखने वाले, जो स्वयं को परमेश्वर के अधीन करने वाले हैं, कहता है, वचन कह रही है, जो परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है कि वह परमेश्वर ऐसे लोगों को जो धर्मी है उन्हें परखता रहता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं। कहता है धर्मी को तो परखता है, लेकिन जितने दुष्ट आदमी हैं, जो बुरे बुरे कामों से प्रेम रखते हैं, प्रीति रखते हैं, कहता है अपनी आत्मा में उनसे घृणा करता है। परमेश्वर अपनी आत्मा में उनसे घृणा करता है कि जो दुष्ट जन है, परंतु जितने धर्मी जन है उन्हें हमेशा परखता रहता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। कहता है जितने दुष्ट जन है, जो उसकी नहीं सुनने वाले, उसके विरोध में चलने वाले, उसके खिलाफ रहने वाले, हमेशा परमेश्वर उनके ऊपर फंदे बरसाएगा। हमेशा फंदे यानी उसके ऊपर आग के अंगारे, उनके ऊपर विपत्तियां बरसाएगा, उनके ऊपर विनाश बरसाएगा। कहता है कि ये दुष्टों पर फंदे यानी अंगारे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर के वचन कहते हैं कि जितने दुष्ट जन हैं, आग और गंधक और प्रचंड लू से, प्रचंड लू उनके कटोरों में, उनके जीवन में, तेरा आग भर दी जाएगी, गंधक भर दिया जाएगा, प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी, यानी उनके हक में आग और गंधक और ज्वलनशील माहौल यानी ज्वाला उनके जीवन में, विनाश अनंत अंगारे उनके जीवन में डाले जाएंगे, जो दुष्ट है, क्योंकि उनके दुष्टता के कारण उन्हें उनके जीवन में उन्हें प्रतिफल के रूप में भारी ये विनाश का दृश्य प्रकट किया जाएगा। वचन कह रही है क्योंकि यहोवा धर्मी है, इसलिए ऐसा होगा क्योंकि हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है वह धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है।
मेरी प्रियो, वचन कह रही है कि हमारा यहोवा हमारा परमेश्वर धर्मी है, वह धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है। और अवश्य है कि जितने धर्मी जन हैं उस परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे। कहता है जितने धर्मी जन हैं वो परमेश्वर के दर्शन पाएंगे, परंतु जितने दुष्ट जन हैं वह आग के अंगारे पाएंगे। परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के दर्शन को जितने धर्मी जन हैं, जो परमेश्वर के अधीन होकर जीवन जीने वाले हैं, वही है जो दर्शन पाएंगे। परंतु जितने दुष्ट जन हैं वह आग और गंधक प्रचंड लू उनके हक में उन्हें दिया जाएगा। वह प्रचंड आग से जलेंगे, वह अंगारे में उन्हें डाला जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की ओर मुंह को अपना मन फिराइए, अपना मन परमेश्वर की ओर फिराइए, बुराई से अपना मुंह मोड़कर भलाई की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के सरीखे अपने आप को उस परमेश्वर के मार्ग पे ले जाओगे, तो जरूर है कि वह स्वर्ग से अपनी आशीष आपके जीवन में बरसाएगा। आपको आग के अंगारे नहीं, परंतु अपना दर्शन दिखाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप सभी लोग आप मन फिराकर उस परमेश्वर की तरफ अपना मन लगा लो, ताकि स्वर्ग का परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन दे। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको अनंत काल का जीवन देगा। अवश्य है कि स्वर्ग की आशीष आपके जीवन में प्राप्त होगी। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं इतना धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं इतना धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता हे पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इन सबके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर से निकल जाए। महान परमेश्वर, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता, अपने पवित्र पाक हाथों से छू और इन्हें चंगा होने दे। जितने बीमार है, लाचार है, बेबस है, परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर। जितने अपने जीवन में निराश है, परमेश्वर लाचार है, उनके जीवन में अपनी महिमा की आशीष बरसा। हम प्रार्थना करते पिता, आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते आज पूरे दिन ये जहां भी रहे, इनके शरीर के ऊपर कोई दुख कोई तकलीफ कोई विपत्ति बीमारी क्लेश उपद्रव कोई दुर्घटना न होने पाए, हर प्रकार की बला हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर, तू भारी अनुग्रह करने वाला प्रभु है, अपने भारी अनुग्रह से निभा इनके शरीर में जितने भी दुख दर्द पीड़ाएं जितनी बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले आज पूरे दिन हे परमेश्वर, ये बिल्कुल आनंदित रहे हे परमेश्वर। इनमें से जितने बीमार है आज चंगे हो जाए, इनके शरीर में कोई भी बीमारियां हो तो नष्ट हो जाए, काम हो खांसी हो बुखार हो बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए, कोई भी प्रकार की लाइलाज बीमारियां हो तो बिल्कुल बाहर निकलने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनकी घरेलू लड़ाई झगड़े बिल्कुल समाप्त हो जाए, पारिवारिक लड़ाई झगड़े बिल्कुल समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े या विद्रोह हो तो बिल्कुल समाप्त हो जाए, तलाक की नौबत हो तो बिल्कुल तलाक समाप्त होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिनका तलाक होने वाला है, पति पत्नी के बीच में जो विद्रोह के कारण तलाक होने वाला है प्रभु, हम प्रार्थना करते वह विद्रोह समाप्त हो जाए हे परमेश्वर, शैतान की योजना समाप्त हो जाए, इन दोनों के बीच में तेरा प्रेम प्रकट होने पाए और दोनों के दोनों में एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जैसा वचन में लिखा गया है जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, ये सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। महान परमेश्वर, जितने रोजी रोजगार वाले प्रभु उनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जितने धंधा बिजनेस व्यापार वाले हैं हाँ मेरे प्रभु, उनके बिजनेस व्यापार के ऊपर लाभ पे लाभ होने पाए हाँ मेरे प्रभु, बरकत की आशीष होने पाए। जितने जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार मिलने पाए, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिल जाए हे परमेश्वर, जो बिजनेस के तलाश में उन्हें बिजनेस मिले हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता
परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, हे परमेश्वर जो अपने जीवन में निराशा है, जिनके जिनको कोई मार्ग नहीं दिखता, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए नया मार्ग खोल मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने गरीबी के श्राप में उन्हें श्राप से छुटकारा दे, जितने कर्ज में उन्हें कर्जा से छुटकारा दे। ओ महान परमेश्वर जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए, ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिनका बिजनेस बार बार लॉस होता जा रहा है, हाँ मेरे प्रभु उनके बिजनेस पे बरकत और बढ़ोतरी होना चालू हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं परमेश्वर, उनके शरीर के अंदर कोई प्रकार की बीमारी क्यों न हो, हर बीमारियों से उन्हें छुटकारा मिले। कोई दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए, हर प्रकार की गंदी आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए। ओ परमेश्वर तूने वचन में कहा यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग में तुम्हें तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कोई जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता अपने स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे, स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा करे, शरीर की रक्षा करे, शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाए जितनी बीमार हो बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ परमेश्वर तेरे छूने से रोगी चंगा होता, सो हर एक को चंगा होने दे। हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, जितने एग्जाम देने वाले हैं उनके एग्जाम के क्षेत्र में आशीष दे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता जितने बुरे व्यसन से जकड़े हुए लोग हैं, हे परमेश्वर व्यसन से घिरा हो जाए, जितने बुरे मार्ग पे चलते हैं लोग, हे परमेश्वर बुरे मार्ग से उन्हें घिरा हो जाए और अच्छे मार्ग को अपनाए मेरे महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता शैतान की हर एक हरकतें इनके जीवन से नष्ट होने पाए, तंत्र मंत्र के सारे बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर आज के 2000 साल पहले कल भी कृष्ण में लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा इन सबके शरीर को धो, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए। तेरे लहू की सामर्थ्य हर एक के जीवन में उतरे, तेरे लहू की सामर्थ्य हर एक के घर में उतरे, तेरे लहू की सामर्थ्य हर एक के रोजी रोजगार में उतरे, तेरे लहू की सामर्थ्य हर एक के बुद्धि विवेक के अंदर उतरे, ताकि हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। ओ परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, हर एक को अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, महान परमेश्वर तेरी आत्मा का अभिषेक हर को होने पाए, हर कोई आत्मा में भर कर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर तेरा साथ हर के साथ हो, तेरा हाथ हर के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई